आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। देवी भव्य व्यवस्था दिवा देवी व्यवस्था किताब में दिवे लेविटिकस देवी व्यवस्था किताब में सातवां अध्याय देवी व्यवस्था किताब में सातवां अध्याय 20 से लेकर पढ़ेंगे। देवी व्यवस्था किताब लेविटिकस सातवां अध्याय 20वां वचन से पढ़ेंगे। But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings and pertain unto the Lord having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people. Moreover, the soul that shall touch any unclean thing as the uncleanness of man, or any unclean beast, or any abominable unclean thing, and eat of the flesh of the sacrifice of peace offerings which pertain unto the Lord, even that soul shall be cut up from his people. Swargiya Pitaji, ye vachan ke liye aapko dhanyavaad hai. परमेश्वर ये लेवी व्यवस्था का किताब से हमने पढ़ा है। धन्यवाद है प्रभु, सारा बाइबल को आपने खुलासा कर दिया। हमारे लिए कुछ भी भेद नहीं है प्रभु, ये सब कुछ लेविटिकस एक्सोडस हर एक किताब आज हमारे लिए खुली हुई किताब है। धन्यवाद परमेश्वर इसका द्वारा हमसे बात कर। जो बंद किताब से आप बात करता था, अभी आप खुली हुई किताब के द्वारा बात कर। परमेश्वर आज रात को हमको हमारा हृदय को आप और भी उत्तेजन करते। धन्यवाद परमेश्वर, सारी बातों को आपका हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुंदर कदम करना आप लोग बैठ सकते हैं। ये देवी व्यवस्था का किताब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत सारा बातों को हम ये किताब से हम देख सकते हैं। हमारा आत्मिक जीवन के लिए, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक के बारे में हम इस यहाँ पर हम देख सकता है। प्रभु ने हमको ये बहुत बड़ा मौका दिया, हम धन्यवाद करेंगे। हालांकि हमारे जीवन में हम कोई भी अच्छा नहीं है, हम प्रभु के लिए हम जीना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं होना, हमारा टेंपर, हमारा गुस्सा, हमारा ना अच्छाकारी स्वभाव, ये सब हम हमारे जीवन से हटा लेते हैं। हम और भी मीठा बनने के लिए बहुत बार सोच रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना होता है, हमारा परीक्षक है, खास करके हम हमारे लिए लेना, दूसरे के लिए हम न्याय नहीं करना। वो ऐसा किया, ये ऐसे किया, हमको प्रभु परीक्षा करता है, हमारे जीवन को प्रभु देता है। हम कभी भी हमारा एक क्या होता है, हमारा एक हैबिट हो गया, हम दूसरे को हम इल्जाम डालता है, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, नहीं देंगे। हकीकत में मैं बोलता है, बाइबल हमारे सामने, हम क्या कर रहे हैं, प्रभु हमसे हिसाब मांगता है, हमारे से, मेरे से, उनका बारे में मेरे से हिसाब नहीं मांग रहे, मेरे से हिसाब लेता है। हमारा परमेश्वर ऐसी परमेश्वर है, इसलिए ये स्क्रिप्चर को मैंने ले लिया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। लेवी का व्यवस्था का किताब इंग्लिश में लेविटिकस बोलता है और इसका टाइटल जो मैंने रखा है, जो अशुद्ध अनक्लीननेस बोलेगा तो जो अशुद्ध रहने वाला, जो अशुद्ध को करने वाला, परम प्रभु जो सैक्रिफाइस जो बलिदान है
पीस ऑफरिंग करके आपका लिखा है सैक्रिफाइस ऑफ द पीस ऑफरिंग, जो शांति देने वाला पीस ऑफरिंग अगर देगा उनको लोगों का बीच में से काट के वहां परमेश्वर निकलेगा। वो ये बहुत जबरदस्त है और ये उसका टाइटल है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को सवेरे था, मैं सोच रहा था कौन सा मैसेज को मैं प्रचार करूं। प्रभु ने ये स्क्रिप्चर को मेरे को दिखाया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। अभी ये स्क्रिप्चर बहुत जबरदस्त है। कौन सा भी प्राण ईटेथ ऑफ द फ्लेश, अभी यहाँ पर ये फ्लेश क्या है, अभी ये लेविटिकस लेवी का व्यवस्था में हम देखते हैं मांस को खाना, फ्लेश बोले का मांस। अभी जो कोई भी ये मांस को खाता है वैसे प्रभु को प्रभु के लिए रखा हुआ बलिदान का मांस को खाता है और उनका वो अशुद्ध है। ऐसा प्राण को काटना, लोगों का बीच में से काटना। और बीसवा अध्याय में लिखा है सॉरी 21 में, मोरोवर द सोल, प्राण कोई भी अशुद्ध को पकड़ेगा और अशुद्ध होएगा और अशुद्ध पशु को और अशुद्ध चीजों को और वो भी परमेश्वर का वेदी में जो रखा हुआ बलिदान को खाएगा, मांस को खाएगा और ऐसा प्राण भी लोगों के बीच में से काटना पड़ेगा। खत्म तो लेकर तो काटना दो चीजें, एक अशुद्ध पशु को और उसको पकड़ना और उसको उसका उसको उसके साथ रहना और उसके बाद वो करते हुए भी मांस को खाना, परमेश्वर का बलि का मांस को खाना, प्रभु के लिए रखा हुआ बलि का मांस को खाना, उसको भी खाटना। मेरा दर्द दे लो, बहुत लोग ये शिक्षक को पढ़ा मगर नहीं समझते हुए वो ऐसे ये जूना नियम में ऐसा लिखा है और अभी हमारे लिए नहीं है ये सब बलिदान के बारे में, क्योंकि उस समय में प्रभु के लिए बलि चढ़ाता था, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता था, पशु का बुलक बैल का और बैल बकरे का बलि चढ़ाता था और वो बलि चढ़ाते हुए उसका मांस को खाने का भी है। यस सर, और उसका मांस को खाना, मगर कौन सी लोग वो मांस को खाना, क्योंकि यहां पर लिखा है जो अशुद्ध को खाने वाला अनक्लीननेस अशुद्ध में रहने वाले, दोनों स्क्रिप्चर भी एक ही चीजों को आपको बताता है, दोनों भी 20 की और 21 की एक ही बातों को बताता है। देखिए जो अशुद्ध बोलेगा तो एक बात है अविश्वास, अनबिलीफ अविश्वास और अशुद्ध होलीनेस अपवित्र जीवन अशुद्ध रहना। देखिए ये मिनिस्ट्री जो है ये सेवा का जो है एक बात बोलता है, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर गड़बड़ है, हम देवदूत नहीं है ना प्रभु नहीं है, हम बार बार गिरता है, बार बार हमारा मुंह से गाल निकलता है, इवन मेरा मुंह से भी, ये अशुद्ध है, ये सही नहीं है। ये मैसेज में मेहंदी भाग नहीं है, मेहंदी ये मैसेज का नीचे है। हमारे जीवन में हम बहुत बार सोचते हैं हम बड़ा आदमी है, हम ही मैसेज में है, बाकी लोग पूरा ठंडे लोग हैं, ये सब कभी भी सोचो मत। हमारे जीवन को परीक्षा करो, हर एक व्यक्ति कौन सा अशुद्ध में हम जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोला एक बार, मैं ये भी बात करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक बार बोला अरे घर फेरे लोग वो हाथ सब नहीं धोते हुए खाता है, यीशु ने बोला, प्रभु यीशु मसीह बोला वो अशुद्ध नहीं है, जो चीज
हृदय से बाहर आता है, जो चीज आप बात करते वो आपको अशुद्ध करेगा। जबरदस्त बात हमारा प्रभु ने बोला, जो चीज आप खाते हो हाथ नहीं धोते हो ऐसे खाते हो वो आपको अशुद्ध नहीं करता है वो शरीर का, मगर आपका प्राण आपका सोल, इधर बोलता है प्राण सोल जो अशुद्ध है वो आपको अशुद्ध करेगा, क्योंकि वो कृपा हमारे मुंह से कितना गंदा कार्य निकलता है, हमारा मुंह से कितना बेकार दुनिया का लोग बात करता है वैसा हम भी बात करता है, दुनिया के लोगों का बादशाह हम करता है ये इस बातों में मैं भी अलग नहीं, मैं भी है, मैं ऐसा प्रचार नहीं करता है, मैं नहीं हूं बाकी लोग नहीं करते, नहीं ये बहुत बेकार चीज है हमारा जीवन में, हम इन बातों को हम कभी भी भूलो मत, हम यही मुंह से गंदा गाली देता है दूसरे को, एक बेकार का आवाज से गाली देता है और वही मुंह से बाइबल पढ़ता है, वही मुंह से मैसेज पढ़ता है, वही मुंह से हम लोग को परमेश्वर को स्तुति चढ़ाता है, ये हमारे जीवन का अशुद्ध है। एक ही बात में नहीं, बहुत सारा बात बोलने का है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, लेवी का व्यवस्था का किताब में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे, और प्रकार जो उसे हम लोग को वो बलि बलि जो चढ़ाए हुआ प्रभु के लिए चढ़ाए हुआ बलि का मांस को खाता है और वही लोग अशुद्ध में रहता है वैसे प्रकार क्यों हम हमारे लिए प्रभु ने भाई बहन का मैसेज दिया, क्यों हमारे लिए प्रभु ने बहुमूल्य भाई मैसेज दिया हम अशुद्ध में रहने के लिए, हमारा कम्युनिकेशन हमारा बातचीत अशुद्ध में होना, गाली गुलूज निकालना दूसरे के लिए, हम गाली देना एक देखिए एक अविश्वासी लोग रहता है उसको हम लोग गाली देना उसको उसका बारे में बोलना नहीं, मेरा प्यारा भाई बहनों हमको ये मैसेज को प्रभु ने दिया हम शुद्ध रहने के लिए, हमारा जीवन शुद्ध होना, अविश्वास हमारे जीवन में नहीं होना, अविश्वास ऐसा चीज है हमको अशुद्ध करता है वयस, इसलिए परमेश्वर बोलता है ऐसी लोगों को प्रभु ने अपना लोगों के बीच में से काटेगा, काटना चाहिए कोई भी हो मैं भी हो कोई भी व्यक्ति हो, ये मैसेज में रहने वाला बहुत सारा मिलियंस लोग आज है मेरा प्यारा भाई बहनों, सब लोग मैसेज को मानता है सब लोग, मगर क्या हमारे जीवन में हम अशुद्ध में है क्या? सब लोग सोचते अशुद्ध बोलेगा तो टेलीविजन रखना, बताता हूँ टेलीविजन बहुत लोगों को होता है, अरे टेलीविजन है और यूट्यूब देखता है और बाकी चीजों मेरा प्यार वो आप सोशल मीडिया में आज है हम लोग देखते हमको मालूम है क्या देखना क्या नहीं देखना, वो आपको टेलीविजन तो ठीक है सब लोग बोलते हैं टेलीविजन को फेंकना, आप अगर टेलीविजन को फेंका आप अगर यूट्यूब को बंद किया क्या आप शुद्ध हो गया, क्या आपके जीवन में आप शुद्ध पाया, आप और भी अशुद्ध है और भी आपका मुंह से गाली निकलता है और भी आपका जीवन का जो स्टाइल आप प्रभु के लिए नहीं जी रहा है वैस प्रभु का साथ आपका जीने का नहीं है, आपका हर एक कामों में हर एक क्रिया में आप दुनिया का जैसा आप जी रहे हो, अशुद्ध आपके जीवन में आया है, अशुद्ध का काम करते हो, अनहोलीनेस आपके जीवन में है, अशुद्ध का साथ रहते हो, अशुद्ध का काम करते हो, अशुद्ध का जो चीजों में आपका जीवन बिताते हो, अशुद्ध में रहते हो, गाली गाली गुलूज नहीं पूरा चीज हिस्सा आता है, अशुद्ध का जो जीवन है व्यभिचार भी आता है, भयंकर व्यभिचार, अशुद्ध व्यभिचार, चोरी छुपा के व्यभिचार करना, चोरी छुपा के किसको भी मालूम नहीं करके
हमारे जीवन को बिताना, चोरी छुपा के परमेश्वर का जो पसंद का नापसंद का कामों को करना, चोरी छुपा के सब कुछ करना, मेरे प्यारे भाई बहन, इवन गैम्बलिंग, हर एक काम। और उसके बाद हम वही मैसेज को, भाई ब्रैनम का मैसेज को, भाई लैम्बर्ट का मैसेज को हम लोग सुनना और मंदिर में आके बैठना, सेंट का जैसा हाथ उठाते हुए प्रेजिंग करना, प्रेज प्रेज प्रेज, आंख बंद करके, सारा समय मोबाइल में रह के मोबाइल का जो कम्युनिकेशन को करते हुए मोबाइल में, कोई भी बॉयफ्रेंड के साथ बात करना और गर्लफ्रेंड के साथ बात करना मोबाइल में, पूरा पूरा मोबाइल में, परमेश्वर का नहीं है मेरे प्यारे भाई। और बोलता है हमको समय बिताने का है, अरे मैं भी समय बिताता है, मैं भी कैसे समय बिताता है, मैं बोलता नहीं है, मेरे जीवन में मेरे को कुछ भी हो, परमेश्वर हमारे जीवन को एक व्यवस्था में लेकर आया। और बाद में बोलते टाइम क्यों क्यों नहीं, क्यों परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर का मैसेज को आप जरा स्टडी करो, नहीं तो उसके बारे में पढ़ो, वो आपके लिए प्रभु दिया हुआ काम है। क्यों हम लोग वो यूट्यूब में क्या क्या चीजों को देखना, गंदगी को देखना, यूट्यूब में पूरा गंदगी है, वो गंदगी का समुंदर है। यूट्यूब में जाके हम लोग क्या क्या देखना, किस किस का दाढ़ी देखना, शक्ल देखना, क्या वो अशुद्ध नहीं है? परमेश्वर इधर बराबर बोला, कोई बोलता है वो गैम्बलिंग खेलता करके, कोई बोलता है वो खेलता है, और एक न एक चीजों में हम लोग अशुद्ध है। हाँ, सब कुछ अशुद्ध है, खाली एक ही कैटेगरी नहीं है, हर एक कैटेगरी मेरे लिए और आपके लिए अशुद्ध है, अनहोली है, अनक्लीननेस है। बाइबल बोलता है अनक्लीननेस, बोलेगा तो अशुद्ध। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, पहले बोला मैं भी इसे, क्योंकि मैसेज मैसेज है, मैसेज मैसेज है, बाइबल बाइबल है, ये बाइबल का वचन पढ़ने वाले को छोड़ के बोलता नहीं है, पढ़ने वाले भी वहां पर है और बोलने वाला भी वहां पर है। हम ऐसा ऊपर से खुद ही मारा हुआ देवदूत तो नहीं है हमारे जीवन में, क्या क्यों मालूम है इतना सीरियसनेस आज हम लोग होना चाहिए। हमको परमेश्वर ने भाई ब्रैनम का मैसेज दिया, भाई लैम्बर्ट का मैसेज दिया, हम उसको खाता है। आपको मालूम है अभी अभी खाने का बात क्या है, आप बाइबल में देखिए, प्रकाशन की किताब 10वां अध्याय में क्या लिखा है, प्रकाशन की किताब 10वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वॉयस इधर देखिए, हमको क्या खाने को प्रभु ने दिया, वॉयस 10वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ेंगे, 10वां अध्याय 9वां वचन, एंड आई सॉरी 8 से पढ़ेंगे, एंड द वॉइस विच आई हर्ड, ये आवाज मैंने सुना फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से एक आवाज है वो सुना, एंड वो आवाज बोला गो एंड टेक द लिटिल बुक, जाओ वो छोटा किताब को ले ओ, विच इज ओपन इन द हैंड ऑफ द एंजल, वो दूत का हाथ में खुली हुई किताब है, वॉइस विच स्टैंडेथ अपॉन द सी एंड अपॉन द अर्थ, समुद्र और पृथ्वी में खड़ा हुआ दूत का हाथ में है, एंड आई वेंट अनटू द एंजल, और मैं दूत के पास गया, एंड सेड अनटू हिम, एंड मैंने बोला उसको, गिव मी द लिटिल बुक, वो किताब को मेरे को दे, एंड ही सेड अनटू मी, और उन्होंने मेरे को बोला टेक टेक इट, उसको ले वो, एंड ईट इट अप, और उसको खाओ, एंड इट शेल मेक दाई बेली बिटर, तेरा तेरा पेट में कड़वा हो जाएगा, बट इट शेल बी इन दाई माउथ स्वीट एज हनी, तेरा मुंह में मधु के जैसा मीठा हो जाएगा, अनकोट। मेरा प्यारा भाई बहनों, इधर परमेश्वर के लिए लेविटिकस का किताब, लेवी का व्यवस्था का किताब में जो बोला है, जो वेदी में बलिदान किए हुआ इसका मांस, प्रभु के लिए रखा हुआ मांस, और
में बोल सकते हैं वो प्रभु का मास है। How many say amen? वो प्रभु का मास है और ये किताब प्रभु का मास है। द सन द फ्लैश ऑफ द सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र का मास। एंड ड्रिंक द ब्लड ऑफ द एंड ब्लड, मांस को खाना और खून को पीना। वैस किसका? मनुष्य पुत्र प्रभु का। ये दोनों भी एक ही हिसाब है। ऐसी लोग अशुद्ध ना रहना। अगर अशुद्ध होते हुए, बराबर सुनो, अगर अशुद्ध होते हुए वो मांस को खाता है, वो खून को पीता है, वो किताब को खाता है, उनको लोगों का बीच में से काटना चाहिए। अनकोट, इसका मतलब वो डिसफेलोशिप, उनका फेलोशिप वो खाटा जाएगा, खाटेगा उसको। वो यस, बहुत सीरियस बात है। वो प्रभु का, ये मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मनुष्य पुत्र का मांस को खाना, उसका खून को पीना और प्रभु भोजन करना, एक ही हिसाब है। प्रभु भोजन आप दिखाता है लोगों को, मगर वो करने से आपका काम नहीं हुआ। प्रभु भोजन करना चाहिए। कौन करना चाहिए? जो व्यक्ति, जो आदमी इसके लिए योग्य है, जो मनुष्य पुत्र का मांस को खाता है, प्रभु के साथ संपर्क रखा है, प्रभु से मुलाकात रखा है, प्रभु के साथ फेलोशिप रखा है, वैसा आदमी अशुद्ध में ना रहना। मैं आज भी फेलोशिप करने वाला नहीं था, आज भी मैं चर्च में आके चलाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा पाखंडी नहीं बनना चाहता है। मगर प्रभु का कृपा से मैं आया। हाँ, प्रभु ने मेरे को चलाया, मेरे को इधर जाने के लिए लीड किया, और मेरे को प्रभु ने 2-3 दिन में मेरे को समझाया, प्रार्थना में गया, समझाया, परमेश्वर से मैं बात किया, पश्चाताप किया। क्यों बोलेगा तो मेरा प्यार में डेंजरस है। हम भाई ब्रैनम के मैसेज को पढ़ता है, उसका काम करता है, यूट्यूब बनाता है, सब कुछ करता है, अगर कुछ भी होने दो हमारे जीवन में, कितना भी हमारे जीवन में कुछ भी घटना आने दो, हमारे मुंह को हम संभालना, हमारे मुंह को हम संभालना, हमारे मुंह से हम कभी भी कौन सा भी गंदा बातों को ना बोलना, हमारे जीवन को संभालना, हमारे जीवन कभी भी व्यभिचार, औरत का शौकीन, लड़के का पीछे भागना और दुनियादारी में रहना, दुनिया का गंदगी में, खिचड़ में रहना नहीं करना। क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलता है, यही बाइबल क्लियरली बोलता है, लेविटिकस का किताब में, लेवी का व्यवस्था का किताब में डायरेक्टली बोलता है, ऐसा आदमी अगर खाएगा वो, उसको लोगों का बीच में से काटो, काटो बोलेगा तो निकाल दो। हाउ मेनी से मैन, वो योग्य नहीं है वो खाने के लिए। दूसरा शब्द में वो योग्य नहीं है। आप क्या सोचे वो बुधवार और इतवार 4 दीवार के बीच में आके बैठेगा तो आपका काम हो गया? बुधवार और इतवार हम फेलोशिप करेंगे तो हो गया? नहीं, 24 घंटा, 24 आवर्स, 24 आवर्स हमारा जो मुलाकात प्रभु से होते रहता है। वो यस, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद है। कोई भी हालत में हम अशुद्ध नहीं होना। हमारा सोल बोलेगा तो प्राण, इधर बोलते हैं सोल, यहां पर बोलते हैं कौन सा सोल, कौन सा प्राण, कौन सा सोल के अंदर ये अशुद्ध अशुद्ध है, सोल अशुद्ध में भरा है। मलाइस, गुस्सा, टेंपर, दुश्मनी, प्यार नहीं है। सोचते हैं हम ही एक बहुत स्पिरिचुअल लोग है, बाकी लोग पूरा गंदगी और खिचड़ में रहने वाला है, हम ही एक बहुत बड़ा विश्वासी लोग है। गलत है वो, गलत है। किधर भी बाइबल में लिखा नहीं,
बाइबल का चैलेंज करो, मैं सिद्ध है, ये पब्लिक यूट्यूब है, बाइबल में जो भी लिखा है हम वहां पर खड़े होते हुए ये स्क्रिप्चर के पास हम खड़े होना चाहिए। क्यों आप बोलते हो ये खाली मूसा के जमाने में दिया हुआ किताब है, ये अभी भी हमको लागू होता है। ये किताब, ये स्क्रिप्चर लेविटिकस का किताब 7:20-21 अभी भी ये लागू होता है, क्योंकि अभी हम असली में मांस खाने वाला का मांस को खाता है। कौन सा पीस? पीस ऑफरिंग। पीस ऑफरिंग बोलेगा तो शांति का जो बलिदान का जो ऑफरिंग, वो और कुछ भी नहीं है, वो मनुष्य पुत्र का मांस है। वो किताब मनुष्य पुत्र का मांस है। हमको हमारा ये समय, ये घड़ी में हम खा रहे हैं और उसको और इसको कोई भी व्यत्यास नहीं है। वैस उस समय में छाया के रूप में हमको दिखाई दे रहा था, छाया के रूप में बलिदान जो छाया था, मगर आज वो छाया गया, रियलिटी में आ गया। हम रियलिटी में ये खा रहे हैं। आपको मालूम है हम आज इस घड़ी में वही बलिदान का मांस को खा रहे हैं। कौन है हमारा बलिदान का मांस? कौन है बलिदान का हमारे लिए कर दिया? कौन है मेरे लिए और आपके लिए बलिदान कर दिया? जरा सोचो, प्रभु यीशु मसीह का मांस हम लोग खा रहे हैं अभी। प्रभु यीशु मसीह 2000 सालों के बाद जो बलिदान मेरे लिए और आपके लिए 2000 सालों के पहले कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, उसका मांस को हम खा रहे हैं। मनुष्य पुत्र है वो, भाई ब्रैनम नहीं है, भाई लैमट नहीं है, वही मनुष्य पुत्र है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो बलिदान हुआ मांस है मेरे लिए और आपके लिए, अपना शरीर को तोड़ के दिया हुआ मांस है। हम उसका शरीर को खाता है, 2000 सालों के बाद भी उसका शरीर खून से भरा है। वही जो है हमारा किताब, वही जो है हमारा मांस, वही जो है हमारा बलिदान का पशु, वही जो है प्रभु का बलिदान है, वो द सैक्रिफाइस ऑफ द लॉर्ड। और हमको शर्म नहीं है, कैसा भी जीना, कैसा भी रहना। और हम बाद में बोलते हैं हम भाई ब्रैनम का मैसेज को सुनता है और पढ़ता है, मगर वचन क्या बोलते हैं? ऐसी लोगों को काटो, लोगों के बीच में से काटो। वैसे ये कमांडमेंट है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज्ञा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया मूसा को। ऐसी लोग जो लोग अशुद्ध में होते हुए ये बलिदान को खाता है और बलिदान को खाएगा, ऐसी लोगों को, लोगों का बोलेगा तो प्रभु का लोगों का बीच में से खाड़ दो, बोला खाड़ दो वो लोग को, वो लोग ना रहे ना, क्योंकि हम अशुद्ध में रहते हुए ये मांस को, ये मनुष्य पुत्र का मांस को खाना नहीं है। हमारे अंदर दुश्मनी होते हुए लोगों का पास नफरत, प्रेम नहीं है। बाइबल भी लिखी है, किसके लिए दिया? तेरा दुश्मन को भी प्रेम करो, बाइबल बोलता है। ये दुश्मन को छोड़ दो, वो एक दोस्त को भी प्रेम करना स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है। फिर क्या हम मैसेज पढ़ते हैं? फिर क्या हम मैसेज सुनता है? फिर क्या हम मैसेज में रहते हो? क्या मैसेज हमारे जीवन में प्रभाव किया बताइए मेरे को? क्या मैसेज मेरे जीवन को बदल दिया? अगर वो मैसेज हमारे जीवन में नहीं बदला, वो मैसेज सही है, हम गलत है, हमारे जीवन में कुछ खमी घटी है, हम जो प्रभु, क्योंकि मेरे प्यारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता है प्रभु कैसा खाड़ दिया करके, क्योंकि ऐसी गंदा कामों को करता है, ऐसी गंदा जीवन में भी रहता है वो ऐसी गंदा तरीका का जीवन को बिताता है, फिर कैसा ये मैसेज वो लोग के जीवन में प्रभाव में आता है मेरे को बताइए? ये मैसेज वो लोग के जीवन में प्रभाव में नहीं, क्योंकि वो लोगों को ऑटोमेटिकली ऐसा लोगों को प्रभु ने खाड़ दिया, खाड़ दिया। कोई भी हो, मैं हो और कोई भी हो, दे आर नॉट वर्थी टू लिव फॉर दैट मैसेज। कैन यू से आमेन? परमेश्वर का आज्ञा ही है। 4000 सालों के पहले अगर ये आज्ञा को लेविटिका किताब में मूसा को प्रभु ने दिया, आज भी वही मैसेज, आज भी वही स्क्रिप्चर, आज भी वही स्क्रिप्चर मेरे लिए और आपके लिए खड़ा है। कैन यू से आमेन? आज भी हम प्रभु का बलिदान को खा रहे हैं, मगर
खाने का ऐसा नहीं खा सकते हम लोग जो अशुद्ध में हो, जो अशुद्ध पशु को हम स्पर्श किया, अशुद्ध चीज़ों को हम स्पर्श किया, जो प्रभु ने यहाँ पर बोला, ऐसा बोला वचन में, जो प्राण जो सोल वयस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, माय गॉड, ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दुनिया में जी रहे, ठीक बात है, मगर सब लोग ये मांस को खा नहीं सकता है। वयस, ये मांस बहुत पवित्र है, होली है, शुद्ध है, जैसा मैंने बताया, जो अयोग्य होते हुए प्रभु भोजन को मत ले, इवन उसका ऑर्डिनेंस बोलेगा तो वो विधि, जो विधि कलीसिया में जो विधि है, तीन विधि है, उसको हम करना ही चाहिए। तीन विधि क्या है वो? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बाप्तिस्मा, दूसरा जो है प्रभु भोजन करना, तीसरा जो है पैर को धोना। ये तीन विधि है, वयस, ये तीन विधि को हम करना चाहिए, ठीक बात है, मगर कैसा करना? जो रोटी को तोड़ते हो और बोलते हो ये मेरा शरीर है, और वाइन को पी रहे हो ये मेरा खून है, मगर जो अयोग्य है ये मत करना। अगर विधि को मत करना करके बाइबल में पौलुस बोलता है, फिर असली में हम इस रात को अभी हमेशा हम उसका मांस को खाता है, हम उसका बाइब्रानम का मैसेज को सुनता है और खाता है, और बाइलेबर का मैसेज को हम खाता है, और उल्टा हम अशुद्ध में रहता है। क्या प्रभु छोड़ेगा? प्रभु नहीं छोड़ेगा। क्या प्रभु छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। बाकी लोग छोड़ सकते हैं, हमको हमदर्दी होएगा, बाकी सेवक लोगों को हमदर्दी होएगा, मगर प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु भयंकर है। प्रभु इधर आज्ञा दिया मूसा को, लेविटिकस किताब मूसा को दिया, प्रभु इधर आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया? ऐसी प्राणों को, ऐसी सोल को लोगों का बीच में से काटो, डिस फेलोशिप करो उसको, डिस फेलोशिप बोलेगा तो उसका मुलाकात ही नहीं है, उसका संगत ही नहीं है, वो बीच में से नहीं रहना, उनको काटो उसको, क्योंकि वो शुद्ध है। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद है। मेरे प्यारा भाई और बहनों, हम इस अंतिम दिन में रहता है, हमारे लिए प्रभु ने वही 2000 सालों का पहले बलि चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह वापस 2000 सालों के बाद वापस प्रकटित हो गया मोरा खुलासा का द्वारा, और वो बाइबल में क्या बोला, कौन मेरा मांस को खाता है, मनुष्य पुत्र का, ही दैट ईट द फ्लेश ऑफ द सन ऑफ मैन एंड ड्रिंक हिज ब्लड ही हैव द इटर्नल लाइफ, उसको अनंत काल जीवन मिलेगा बोला। वयस, इधर भी मांस को खाना, इधर भी खाना, प्रभु के लिए रखा हुआ बलिदान का मांस, कौन है वो? मेरे लिए और आपके लिए बलिदान किया हुआ कौन है वो? कौन सा मांस है? प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य पुत्र, द सन ऑफ मैन रिवील्ड इन दिस एंड टाइम, और उसका मांस को खाने को बोला, और उसका मांस जो है ललकार और आवाज के द्वारा हमको मिला। ललकार बाइबल को खुलासा होना, और आवाज भी खुलासा हुआ, दोनों भी मिनिस्ट्री है, दोनों भी वयस किताब, छोटा किताब खुलासा हुआ, और हमको खाने को बोला। ये खाने का समय है, ये खाने का समय में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, प्रभु का आज्ञा इधर हमको बार बार बोलता है, अशुद्ध होते हुए खाओ मत, अगर खाएगा
अशुद्ध होते हुए अगर खाएगा, अगर आपका प्राण अशुद्ध होते हुए दुनिया का गंदगी में होते हुए, दुनिया का लालची में, दुनिया का गंदगी में धोखा 420 फ्रॉड ये सब करते हुए और अपने आप को एक तरीका का वेश डालना, मालूम है आजकल वेश का समय है, वेश डालना, वेश बोलेगा तो एक तरीका का वेश, नौटंकी का खेल, विश्वासी का जैसा दिखाल वेश संडे आने पर, वेनिस्टे आने पर और सब हम लोग क्योंकि भाई ब्रानम का, भाई लैमर्ड का प्रचार इधर करना, मैसेज भी सुनना, ये सब हम लोग करता है। ये क्या है? एक तरीके से हम लोग खाता है मगर हमारे जीवन बराबर नहीं है, हमारे जीवन में भयंकर तरीके का चीज है, डबल गेम है, धोखाबाजी है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है, मुंह के सामने मुंह रखते हुए बोलने का हिम्मत नहीं है, पीछे से काम करता है, पीछे से धोखाबाजी करता है, पीछे से खेलता है, पीछे से चाकू डालता है। क्या विश्वासी है? क्या ये विश्वासी का काम है? कितना ऐसा लोग है मेरा प्यारा भाई बहनों, बहुत लोग ऐसा, मैं बहुत लोगों के रंग को देखा ना, मेरा खुद का रंग को भी मैं देखा और दो लोगों भी देखा, मैं बोलना चाहता सब लोग है इसमें, क्या हम विश्वासी है? हम कैसे बोले हम बिलीवर है करके, कैसे बोलेंगे हम लोग बिलीवर से करके, बताइए मेरे को। ऐसा शुद्ध का प्राण को पाए हुए हम भाई ब्रैनम का मैसेज, भाई लैम्बर्ट का मैसेज, मैं बोलता है मैं गुड बाई बोलता है, वो दोनों मैसेज को भी मैं गुड बाई बोलेगा, मैंने मेरे को ऐसा जीवन बिताते हुए मैं नहीं सुनना चाहता है, मैं सच्ची बोलता है, ऐसा तरीके से मेरे को ये फेलोशिप नहीं चाहिए। ईमानदारी परमेश्वर के लिए जीने का, कोई किसी को ख्याल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जीवन प्रभु के लिए रखा हो आप किसी को ख्याल करना जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ बोले, मगर आपका आपका हृदय के अंदर चोरीपन है, आपका हृदय ठीक नहीं है, फिर दूसरे को इल्जाम डालते हुए क्या फायदा है? नहीं मेरा प्यारा भाई बहनों, हम सबका जिम्मेदारी है, मेरा भी जिम्मेदारी, इसलिए ये मैसेज को मैंने प्रचार कर रहा है, मेरा भी इधर हिस्सा है, मेरा भी यहाँ पर, मेरा भी जीवन को मैं रखना चाहता हूँ, मैं भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं टोकन मिलो, टोकन देवो, टोकन देवो, क्या टोकन, हम खुद ठोकर है, हमको कैसा टोकन मिलेगा, हम खुद दूसरे के लिए ठोकर है, हमारे अंदर स्वार्थ है, हमारे अंदर सब कुछ है, हम दूसरे के बारे में सोचते नहीं, दूसरे का दुख को हम नहीं लेता है, दूसरे के लिए हम नहीं देखता है, हमारा ही देखता है, हमारा ही स्वार्थ है, हमारा ही चीज है, फिर ऐसा प्राणों को प्रभु छोड़ेगा? ये दस से तलौड़ है, मैं नहीं खा दस से तलौड़ बोलेगा तो मेरा नहीं है, ये बाइबल है, ये बाइबल मेरे सामने, बाइबल क्लियर बोलता है, क्लियर कट बोलता है, और मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं भी ऐसे व्यक्ति हूं, मेरे को अभी से प्रभु खाते, मेरा ओपन चैलेंज है, और मेरे को नहीं चाहिए ऐसा हिपोक्रेसी, ऐसा पाखंडीपन, अगर मैं मेरे जीवन में ऐसा हूं, मेरे को भी प्रभु खाते, और मेरे को भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचता है हमको मैसेज बराबर है, परमेश्वर का बलिदान जो है, सैक्रिफाइस जो है सही है, पीस ऑफरिंग सैक्रिफाइस सही मेमना है, वो मेमना में कोई भी कमी घट नहीं है, गलत नहीं है, प्रभु का मेमना है, प्रभु का लैम्ब है, वो परमेश्वर का लैम्ब है, कोई भी गलत नहीं है, हमारे में गलत है, हम अशुद्ध है, हमारा प्राण अशुद्ध है, हमारा जीवन अशुद्ध है, हमारा जीना, हमारा लोकेशन, हमारा सोसाइटी, ये सब अशुद्ध है, और वो होते हुए हम प्रभु का
ये बलिदान का पास आया, मनुष्य पुत्र का पास आया। बराबर बोलता हूं, मनुष्य पुत्र का पास, क्योंकि मनुष्य पुत्र और एक बार प्रकटित हो गया। ये भाई ब्रैनम मनुष्य पुत्र नहीं है, एक बात बोलता है, ये गलत गलत में मत रहे हो। भाई ब्रैनम बिल्कुल मनुष्य पुत्र नहीं है, ना भाई लैम्बर्ट मनुष्य पुत्र नहीं है। मनुष्य पुत्र इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिवील्ड इन दिस एंड टाइम, इस अंतिम दिन में प्रकटित हो गया, वापस प्रकटित हो गया, और हम उसका मांस को खा रहे हैं। वो मैसेज वही है, मनुष्य पुत्र का मांस है, वही जो है किताब है, सब कुछ है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। और कभी हम लोग उसको खाता है, मेरा प्यारा भाई बहनों, हमारा जीवन बहुत शुद्ध होना, शुद्ध रहना, हमारे जीवन में अशुद्ध ना होना, अशुद्ध होते हुए हम नहीं खाना। अब बोलेगा अशुद्ध क्या है, अशुद्ध बोलेगा तो आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, होलीनेस नहीं है, आप नौटंकी है। अब बोलते हो विलियम ब्रैनम का नाम लेते हो, भाई लैम्बर्ट का नाम लेते हो, मगर जीवन उसी के अनुसार नहीं है। आप कौन है, क्या है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना मसीह ईसाई है, किसको भी मालूम नहीं है। ऐसा तरीके का जीवन को हम करते हो, मैं बोलता है लोगों को मालूम नहीं पड़ता हम कौन सा लोग हैं, ऐसा वेश को हम डालता है। कभी कभी हम हिंदू बनता है, कभी कभी हम मुसलमान बनता है, कभी कभी हम ईसाई बनता है। एक ऐसी तरीके का जीवन है मेरा प्यारा भाई बहन, एक ऐसी तरीके का जीवन है। ये जीवन क्या अच्छा है, मनुष्य पुत्र का मांस को खाना। हम दूसरे को हम बोलता है, ठीक बात है, मैं भी बोलता हूं, मैं भी दूसरे को निंदा करता है, मैं भी दूसरे को न्याय करता है, मैं भी दूसरे के बारे में बहुत बोलता है, मगर मेरा क्या है हम देखना, हमारा क्या है हम देखना, हमारा शुद्ध अशुद्ध क्या है, अनहोलीनेस क्या है, अनक्लीननेस बोलेगा तो अशुद्ध अपवित्र क्या है। यस, और वो होते हुए भी हमारा प्राण के अंदर, वो होते हुए भी हम प्रभु का बलिदान के पास आते हुए वो खाना, ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यार पर। प्रभु बोलते हैं ऐसी प्राणों को काटो, ऐसी प्राणों को लोगों के बीच में से काटो, ऐसी प्राण ना रहना, काट देना, क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है। हम ऐसी अशुद्ध में रहते हुए ये मांस को नहीं खाना चाहिए। अगर मांस को खाना है हम शुद्ध बनना, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाने के बाद हम मसीह के तरफ आना, नया जन्म का तरफ आना, नया जन्म पाना, मधुर जीवन को रखना, गुस्सा टेम्पर मारामारी करना, कभी कभी क्या होता है दूसरे का स्पिरिट हमारे ऊपर आके हम भी वैसा करता है, और गाली गुलज देना, गंदा बातों को बोलना, ये सब गलत है मेरे ख्याल में। और उल्टा वो बलिदान को, प्रभु के लिए रखा हुआ बलिदान को खाना, बोलेगा तो भाई ब्रैनम का मैसेज, भाई लैम्बर्ट का मैसेज, वो मनुष्य पुत्र का मांस है, दोनों भी मनुष्य पुत्र का प्रकटीकरण है। मनुष्य पुत्र रिवील्ड हो गया इन दिस एंड टाइम, और दोनों मैसेज मनुष्य पुत्र का मांस है, और दोनों की दोनों को हम खाता है, मगर हमारा प्राण अशुद्ध में है, अपवित्र में है, और हम उस पे खाता है, और प्रभु बोलता है ऐसी प्राणों को काट देना। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं क्लोज करने का पहले आखिरी का जो कंक्लूशन है, अगर हम मनुष्य पुत्र का मांस को खाते हो, अगर हम उसका मांस को खाने वाला है, वो संगति में बैठने वाला है, वो फेलोशिप में रहने वाला है, हम कोशिश करेंगे नया जन्म पाने के लिए, नया जन्म के पास आएंगे, हमारा प्राणों को शुद्ध करेंगे, और नया जन्म पाते हुए हम वो मांस को खाएंगे। वो बात अलग है, आपको प्रभु काटने के लिए नहीं बोला, आप अनंत काल जीवन को पाते हो और पवित्रात्मा का बपतिस्मा को आप पाते हो। भाई आप लोग सब उठिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी,
ये महान मैसेज के लिए आपको धन्यवाद है। ये मैसेज के द्वारा आपने हमसे बात कर दिया, धन्यवाद है परमेश्वर। ये शॉर्ट मैसेज आपने डिलीवर किया प्यारा प्रभु जी। ये मैसेज हमारे जीवन को और भी शुद्ध से शुद्ध करे। हम परमेश्वर आपका, आपने बोला आपके वचन में, जो मनुष्य पुत्र का मांस को खाते हो और खून को पीते हो वो अनंत काल जीवन को पाता है करके बोला। धन्यवाद है परमेश्वर। आज के समय में प्रभु हम आपका मांस को खाने वाला बने और आपका खून को पीने वाला बने। होने दे आपका महिमा, आपका गौरव। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। अभी भाई मिनिन गाना गाएगा और सभा खत्म हो गया। गॉड ब्लेस यू। संग संग है याकोब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए अब संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है।